मध्य प्रदेश बीजेपी में उस वक्त हंगामा मच गया जब देवरी से विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के नाम ये इस्तीफा उन्होंने दिया, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ब्रज बिहारी पटेरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने भूलवश या यूं कहें कि गुस्से में आकर ये फैसला ले लिया था, उन्होंने अपने इस्तीफे से यू टर्न ले लिया है। लेकिन आखिर ब्रज बिहारी पटेरिया है कौन? क्या आप जानते हैं कि ब्रज बिहारी पटेरिया एक वक्त में कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं? विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी में आए दिन कोई ना कोई नेता, विधायक या पार्षद अपनी पार्टी से नाराज नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर रहा है। ऐसा ही देखने को मिला जब ब्रज बिहारी पटेरिया, जो कि देवरी से विधायक है, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है प्रेषित कर दिया विधानसभा अध्यक्ष के नाम। उन्होंने शिकायत की कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस FIR नहीं लिख रही है और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जिससे नाराज होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि आलाकमान ने बीच बचाव किया ही होगा, जिसके चलते अब ब्रज बिहारी पटेरिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। स्वाभाविक वो आक्रोश का विषय था, दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के एक कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में, पूरा संगठन हमारे, पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा और अब वो इस्तीफा की कोई बात ही नहीं। आपको बता दें कि ब्रज बिहारी पटेरिया देवरी से विधायक हैं। 2023 में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एक जमाने में वो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। दर्शकों को बता दें कि 1998 में कांग्रेस के टिकट पर ब्रज बिहारी पटेरिया ने पहला चुनाव लड़ा था। वहीं ब्रज बिहारी पटेरिया 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से लड़े। उन्होंने पूर्व मंत्री हर्ष यादव को हराया था। वो देवरी से ही कांग्रेस के टिकट पर पहले विधायक रह चुके हैं। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इतना ही नहीं, वो जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके परिवार में भी कई लोग राजनीति में हैं। फिलहाल ब्रज बिहारी पटेरिया मान गए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। ये भी कह दिया है कि इस्तीफा देना काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश बीजेपी में आते जाते नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है, जिस पर आगे चलकर आलाकमान क्या कुछ फैसला लेता है, देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट पर क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।